नमस्कार, इस वक्त मेरी टीम धार्मिक नगरी एवं कुंभ नगरी हरिद्वार में मौजूद है। और यदि मैं इस जगह की बात करूं, प्रातः काल का समय, एकदम खूबसूरत दृश्य इस जगह का है। और ये देखे मेरे दाईं तरफ माँ गंगा, ये दिव्य दर्शन प्रातः काल को होते हैं। ओम आकार में बना हुआ ये जगह माँ गंगा का सुंदर प्रातः काल का जो व्यू नजर आ रहा है, घूमने के लिए जगह बनाई गई है। मेरे सहयोगी हैं बालेश्वर गुप्ता जी, दिखाने का प्रयास करेंगे थोड़ा और। देखिए माँ गंगा के दर्शन प्रातः काल होते हुए दूर दूर से लोग इस माँ गंगा पर आते हैं और इस पवित्र नगरी में आकर के गोता लगाते हैं। और सामने की तरफ है जिलाधिकारी का आवास भी मुझे नज़र आ रहा, वो लाल वाली जो बिल्डिंग बनी हुई है लाल कलर की, यहाँ पर मीटिंग हॉल भी है। और ओम आकार का सबसे बड़ी बात तो दृश्य जो नज़र आ रहा है, और सामने है मनसा देवी का जो मंदिर मुझे नज़र आ रहा है मेरे सामने की तरफ चोटी पर। और तमाम चोटी पहाड़ी जिस तरीके से महानगरी मुंबई का गोरेगांव जो फिल्म सिटी है उसका जैसा मिलता जुलता व्यू भी यहाँ पर साफ नज़र आ रहा है इस नगरी में। और जहाँ तक हम इस जगह की बात करें, लोकसभा चुनाव की यदि मैं बात करूँ, तो इस जगह पर ऐसा शायद अनुमान लगाया जा रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी प्रतिस्पर्धा देखी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर पूर्व में रहे रमेश निशंक पोखरियाल जी की जगह बीजेपी ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर दाव खेला है और उनको प्रत्याशी घोषित किया है। और ऐसे भी निकल के आ रहा है यहाँ के पूर्व जो अभी विधायक हैं उमेश शर्मा, वो भी एक धाकड़ कैंडिडेट है। यदि वो वास्तविक ग्राउंड उतरेंगे तो कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल सकती है। इतना आसानी का रास्ता बीजेपी के लिए नहीं रहेगा हरिद्वार में यदि उमेश शर्मा निर्दलीय के रूप में या किसी और पार्टी में भी उतरते हैं। काफ़ी दम रखते हैं यहाँ पर, इस जगह पर अच्छा खासा उनका वोट बैंक है। बीजेपी को शायद टक्कर भी देखने को मिल सकती है। दिखाएंगे आपको क्या कह रही जनता, किसकी तरफ है जनता का रुख, क्या मोदी का डंका इस पवित्र नगरी हरिद्वार में चलेगा, ये भी आपको दिखाएंगे क्या कह रहे हैं लोग। बालेश्वर गुप्ता के साथ महेश बहुगुणा, देवभूमि उत्तराखंड, हरिद्वार।